सूत न कपास, चुलाहों में लठम लठा, ये कहावत बिहार बीजेपी में जोर पकड़ रही है। चुनाव के पहले सीएम उम्मीदवार के तौर पर सुशील मोदी का नाम उछलते ही उनका विरोध भी शुरू हो गया है। इसको मन में आता है, कुछ बोल देता है, पार्टी के वहां से डिसीजन होता है, पार्टी का हाईकमांड करता है विधिवत, और उसके बाद उसको लोग करता है। वैसे लोग अपने अपने कर रहे हैं, वो भी उचित नहीं। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर की ये नाराजगी केंद्र में मंत्री राधा मोहन सिंह के उस बयान का नतीजा है, जिसमें राधा मोहन सिंह ने कहा था कि बिहार में चुनाव सुशील मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता सुशील मोदी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में हम विधानसभा में लोकसभा में सफलता पाए हैं। वो नेता हैं, हमारे विधिवत निर्वाचित विधानमंडल दल के नेता हैं और उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि सुशील मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था। अब जेडीयू कह रही है कि सुशील मोदी को जनता नकार चुकी है और ये कलह का नतीजा है। चुनाव के नतीजे इस बात के गवाह बन गए कि सुशील मोदी जी के चेहरे पर जो भाव, बेचैनी, सत्ता पाने की तड़प, जनता ने उनका बुखार उतार दिया है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी जो कलह है उसका प्रकटीकरण है। मोदी लहर में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार उपचुनाव में 10 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी।